सीटेट पीटेट रिगार्डिंग क्वेश्चन है सर, मैथ साइंस पीटेट की तैयारी करवा दो। देखिए जो सीडीपी हमने शुरू की है वो उसकी एप्लीकेशन मैथ की पैडागॉजी पर भी होनी है, साइंस की पैडागॉजी पर भी होनी है, हिंदी की, इंग्लिश की, सभी तरह की, सोशल साइंस की, सभी पैडागॉजी पर उसका असर होना है क्योंकि फंडामेंटल उसमें पढ़ रहे हैं। ये पढ़ के साथ में बाकी पैडागॉजी के वो भी क्वेश्चन करते हैं। सर हुन इस तो बाद सीटेट का एग्जाम कदों होना है? दिसंबर जल्दी एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम एग्जैक्ट ऑफलाइन है, दिसंबर जैन में एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। इट मींस आपको तैयारी देख लीजिए, 4 महीने पड़े हैं, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप चाहते हो जो जो बातें कही हैं। सर टेट के लिए थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है या फर्स्ट सेमेस्टर का भी कर सकता है? 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एनसीटीई की सर्कुलेशन आ चुकी है कि आपकी एडमिशन हुई है फर्स्ट सेम में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन टीईटी, और वो बेशक पीएस टेट हो जहाँ सी टेट हो, आप सभी में अप्लाई कर सकते हो। सो गो सर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है उसमें रूरल के 1.0। ओके, एक क्वेश्चन है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फॉर पीजीटी गवर्नमेंट टीचर इन पंजाब, व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इन बीएड। जो कॉम्बिनेशन पीजीटी के लिए चाहिए, वैसे मैंने ये लिंक दे दी है अभी एक इस वीडियो के, या इस वीडियो के साथ ही एक वीडियो निकाल रहा हूँ जिसमें ये दिया गया है कि ऑल लिंक्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट ऑफ पीजीटी है ना, इसके नीचे भी लिंक दे दूंगा, तो उसको सर्च करके वहाँ, उसमें 6-7 वीडियो हैं, वो हर सब्जेक्ट की जो पीजीटी की 2022 में आई है ना पोस्ट उसकी है, और एलिजिबिलिटी क्या है वो बनती है, वो बताई गई है, आप वो देख लीजिए। सर बीएड तो बाद पैडागोजी ऑफ साइंस द एडिशनल पेपर दे सकते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इफ स्टूडेंट हैज़ डन बीएससी नॉन मेडिकल इन ग्रेजुएशन एंड डिड पैडागोजी फिजिकल साइंस इन बीएड, यस हाउ मच टाइम इट्स टेक। मैंने आंसर इसका दे दिया है, 3 सेमेस्टर लगते हैं, फर्स्ट सेम में, यहाँ पर इसको क्लिक करके, फर्स्ट सेम में एक पेपर होता है, सेकंड सेम में पेपर एक होता है, थर्ड सेम में आपका स्किल इन टीचिंग एग्जाम होता है जो डेमोस्ट्रेट स्किल होता है, प्रैक्टिकल है जिसको बोल सकते हैं, जो थर्ड है, थर्ड सेम तक ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है सर रजिस्टर स्टूडेंट, मतलब रजिस्टर स्टूडेंट जो कॉलेज अपने नज़दीक कॉलेज जाके 5,000-10,000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि मेरी सीट बुक हो गई, कॉलेज वाले कहते हैं हाँ जी आपकी सीट बुक होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हाँ वहाँ सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, मोस्टली वो कॉलेज वाले उसी कॉलेज का नाम फिल करते हैं और जनरली वो आ जाता है, जनरली 50-60% कह सकते हैं, जनरली नहीं तो, अगर नहीं आता तो सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में आपको एडमिट कर लिया जाता है। गुड इवनिंग सर, जो कॉलेज अलॉट होता है वही कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है, उसे छोड़ के हम किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते? देखिए जो अलॉट हो गया है आपको प्रैक्टिकली, वहाँ जहाँ तो आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट का मतलब है कि फीस जमा हो गई है, फीस यहाँ लिख दिया है, फीस जमा हो गई है तो वहाँ आपकी एडमिशन हो गई है, वहाँ हो गई है एडमिशन तो आप शिफ्ट कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग में, उसके लिए 1,000 आपको यूनिवर्सिटी को पे करने पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शिफ्टिंग आपकी पक्का उस कॉलेज में हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी है, अगर सीट खाली हुई तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो दूसरा है कि आप नॉट रिपोर्ट, रिपोर्ट करते नहीं हैं, नॉट रिपोर्ट करके आप सेकंड काउंसलिंग में ऐसे ही फिर शामिल हो जाते हो, उसमें आप चॉइस फिलिंग दोबारा करते हो, चेंज भी कर सकते हो, वही फिल दोबारा वही भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चॉइस मीन चॉइस, तो ऐसे आपको कंपलसरी नहीं है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना। नेक्स्ट है सर, हाउ कुड वी नो दैट वी हैव गिवन एडिशनल एग्ज़ाम? ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो एग्ज़ाम, कौन कौन से बीएड के, जो बीए के ग्रेजुएशन के इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो वह मैं ये देखूंगा कि जॉब के मुताबिक, एनसीटी के मुताबिक, पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक वो रिक्वायर्ड हैं, अगर नहीं है तो एडिशनल पेपर सुजेस्ट कर देता हूँ। सर फर्स्ट काउंसलिंग जाना होगा कॉलेज में? नहीं, कॉलेज नहीं जाना, ऑनलाइन ही सब कुछ होना है। सर जेकर कॉलेज शिफ्ट दी लोड पवे तो किन्नी प्रोबेबिलिटी है? ये इम्पीरिकल बनो, जिस कॉलेज में आपने शिफ्ट होकर जाना है वहाँ जाके पूछिए कि उस कैटेगरी की, उस सब्जेक्ट
चेक की उस कोटे की कितनी सीट खाली हैं, अगर खाली हैं आपका रैंक नज़दीक है, और लास्ट रैंक जो है कितने तक वो सीट फिल हुई है। फॉर एग्जांपल 90 वाले को वहाँ तक सीट मिल गई थी और आपका 88 या 89 रैंक है, तो उसी कैटेगरी उसी कोटे उसी में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये दो डाटा आपको चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर इसका ढूंढ पाओगे। सर प्लीज़ रूरल एरिया सर बारे दस दो, तहसीलदार तो बनाना है, सरपंच तो, अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आप पढ़े हुए हो 10वीं और 12वीं तो आपको प्रिंसिपल प्लस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। अगर CBSE से हो तो सरपंच के, प्रिंसिपल और सरपंच के। सर जे सेकंड काउंसलिंग विच नेम ना आवे तो सेम कॉलेज जो असी फर्स्ट च फिल कीता सी होवे ओ मेरे नज़दीक आ। सर गल नहीं समझ आई, सेकंड काउंसलिंग विच वी नेम ना आवे, वो थर्ड काउंसलिंग विच ओपन हो जानी है, लेकिन इस बार थोड़े घट चांसेस ने क्योंकि 18,000-20,000 स्टूडेंट बन रहे ने मैनेजमेंट कोटा पा के, सो लास्ट बनेगा कि मैनेजमेंट कोटा ले सकते हो, अदरवाइज़ तुसी सीटां जी ज़्यादा खाली है तो आराम ना मिल जाएगी तुहानू, है ना। सर मैं भी प्राइवेट कॉलेज फिल किए बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज साढ़े को नहीं है तो दूर है, बट कि हूँ मैं कॉलेज नेम चेंज कर सकता हाँ, नहीं सैकेंड काउंसलिंग आप तुसी चेंज कर सकते हो। सर जिन्हें दी सिक्स सैम की मार्कशीट अजे तक नहीं आई वो सैकेंड काउंसलिंग दे विच फिल करनगे, बस वो 2-4 दिनों दे विच शुरू हो जानी इस तो रिपोर्टिंग तो बाद, फस्ट काउंसलिंग नाम नहीं आया वो सैकेंड काउंसलिंग की वेट करनगे और अपनी चॉइस दोबारा रीडिफाइन करनगे कि मैं ए भरनी है या चेंज करनी है, और उस कॉलेज जाके पता करो कि लास्ट किन्नी ते किन्ने रैंक ते गई है तुहाडी कैटेगरी तुहाडे कोटे दी एडमिशन। सर सिर्फ एक कॉलेज सिलेक्ट हो के तुहाडे कहन ते ही मैं 19 च मेल कीती सी, उन्होंने कहा कि चॉइस अनलॉक भी कीती बट हुण कॉलेज सिलेक्ट हो सकदे ने प्लीज़, मेरे ख्याल लेट हो गए हैं, हुण सैकेंड काउंसलिंग च करना पएगा। जिन्हों का इस मैरिट लिस्ट विच नाम नहीं आया उन्हों का की सर, वो सैकेंड काउंसलिंग विच देखणगे नाम। सर जिन्हों का BA का रिजल्ट नहीं आया वो भी सैकेंड काउंसलिंग देखेंगे। सर सरकारी कॉलेज की कितनी फीस है, 40,000 रुपया लगभग 40,000 के करीब, दो साल की सैम की 10, एक सैम की 10,000 के करीब। सर प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड बी द मेजर और माइनर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन BEd फॉर PGT केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू माई। प्राइवेट कॉलेज वाले कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, फॉर एग्जाम्पल रूरल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओनली 10th प्लस टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे आप जनरलाइज मत करो ना कि वाले नहीं मांग रहे। आप ये कहो आप एक कॉलेज में गए थे, रिसर्चर क्या है समझो, दो कॉलेज में गए थे, तीन कॉलेज में गए थे, आप कहो कि ये तीन कॉलेज नहीं मांग रहे तो बाकी के 190 कॉलेज जो हैं, 180 कॉलेज हैं, उनमें से बहुत हैं जो मांग रहे हैं, मैं लंबी लिस्ट दे दूंगा जो मांग रहे हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम मांग रहे हैं, तो ऐसे कहो कुछ कॉलेज नहीं मांग रहे, क्योंकि जनरलाइज कर लेंगे तो बाकी तंग होंगे इस स्टेटमेंट, जनरलाइज नहीं करना, जिंदगी में हम तंग इसीलिए हैं कि रॉन्ग जनरलाइजेशन कर लेते हैं। सर क्या सेकंड काउंसलिंग सिर्फ उनके लिए है जिनका फर्स्ट में नेम नहीं आया? नहीं, ऑल के लिए है, ऑल सेकंड काउंसलिंग सभी के लिए है, क्योंकि अगर आपको पहली काउंसलिंग में मनपसंदा कॉलेज नहीं मिला तो भी आप सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर नेम नहीं आया तो भी कर सकते हो। सर गुड, अगर हमारे पास फर्स्ट काउंसलिंग में प्रोविजनल मास्टर में नेम आया तो उसके बाद कॉलेज भी अलॉट हो गया तो हमको सेकंड काउंसलिंग भी में फिल करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, फीस पे कर दी है तो दैट्स ऑल, आपकी काउंसलिंग खत्म। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सेकंड में जाओगे, है ना। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और चाहते हो कि शिफ्ट करना, फिर भी सेकंड में जाओगे। सर हमने कॉलेज अलॉट किया है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते तो क्या हम सेकंड काउंसलिंग में अपनी कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, आपका राइट है, करो ना, जरूर करना, ठीक है। सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इंप्रूवमेंट एग्जाम लिए कोई चांस देंदे हैं? हाँ मैं वीडियो बना दांगा इसते, थैंक यू, मैनू याद करा दियो, हजे मैं थोड़े 2 दिन इहदे लगा हुआ। सर प्लीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी गोल्डन चांस एनुअल ये भी पता कर दांगा। सर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी इलेक्टिव हिंदी के साथ
है तो मेरा बीएड में बेस्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी हिंदी बन रहा है। एसएसटी हाँ जी बिल्कुल बन रहा है, गुड वेरी गुड। प्लीज़ सर बीएड एडिशनल गुरु नानक के फॉर्म प्रोसीजर अभी बताता हूँ, एक आज इसके साथ ही वीडियो आ जाएगा। सर प्लीज़ रिप्लाई रजिंदर सर, हूँ इस तो बाद चॉइस फिलिंग हो सकती है, मेरी चॉइस अनलॉक कर दी गई है, जो अनलॉक है तो तुम भर सकते हो, अदरवाइज सेकेंड काउंसलिंग की वेट करो। सर मेरा सिर्फ एक कॉलेज सिलेक्ट होया है, तुहाडे कहन ते हो चुकी गल है ना सर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इंप्रूवमेंट दे भी हो गई है। नेक्स्ट सर जी रेंट, जो रेंट ते रहिंदे हन उन्हां दा भी रेजिडेंस जरूरी है? हाय हाँ जी राजे, रेजिडेंस कोई भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो चाहिए है ना, चाहिए है बिल्कुल चाहिए है। कॉमर्स दे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन दस दो, कॉमर्स दे बंदा है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स बनता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स 3 साल तुम नहीं पढ़ी होंगी बी कॉम के, दैट इज़ वाई इंग्लिश या हिंदी या सॉरी इंग्लिश या पंजाबी बैटर है, उसका इलैक्टिव पेपर नाल इंग्लिश का या पंजाबी का दे के तुम टी जी टी लिए एलीजिबल बन जाते हो। सो मेरे बताओ बेस्ट है कॉमर्स एंड लैंग्वेज, सिर्फ पता नहीं लगा 70 पॉइंट फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है कॉलेज? हाँ जी, हूँ तो 3 फैक्टर मेन होंगे है, कैटेगरी सबजैक्ट इन कोटा। हैलो सर प्लीज़ की तुसी ये दस सकते हो कि अगर कॉलेज होर आ गया तो शिफ्टिंग प्रोसैस की है? बिल्कुल मैं दस दिना इस तो बाद 105 मार्क है, चांस ऑफ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी 105 सर। फर्स्ट काउंसलिंग किन्ने नंबर तक है राजे, वो डिपेंड करता है ना कि केड़ा सब्जेक्ट है, केड़ा कॉम्बीनेशन और केड़ी कैटेगरी है, सारे का वेरी करता है। सर जो कॉलेज फिल करता है वही कॉलेज मिल जाता है? हाय इदा नहीं है, डिपेंड करता है, जो थोड़ा अच्छा रैंक है तो वही मिल जाएगा, अच्छा रैंक नहीं है फिर नहीं मिलेगा। हाँ सर मेरा नेम आया नहीं लिस्ट च, मेरे 80 मार्क्स है एग्जाम च, होए रोना नहीं है। तुसी मेल करो यूनिवर्सिटी नू जिहड़ी मेल एड्रेस दिता है, सेम चीज़ लिख दो कि मेरा रोल नंबर या मेरे ये मार्क्स है, और अपनी फोटो जिहड़ी है मार्क्स की बेशक नाल खिंच के भेज दो। सर मैं पंजाब दी हाँ वेलकम बट फ्रॉम आउटसाइड पंजाब, फिल हो गया है क्या करूँ, गड़बड़ हो गई है? तुसी ये देखो कि केड़े कॉलेज लेनी है, जेकर वो प्राइवेट कॉलेज है, कई प्राइवेट कॉलेज जिवें इस विच भी दस्या गया है वो चैक नहीं करते तो एडमिशन दे देंगे, तुहानू शामिल कर देंगे, वादू पैसे देन की मैनेजमेंट कोटे च जाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज दसो उसके मुताबिक गाइड कर देंगे, जे गवर्नमेंट कॉलेज है फिर पंगे वाला काम है, फिर सैकेंड काउंसलिंग तुहानू फिर फिल करना पैना है। सर जिन्हां दा हाले भी रिजल्ट क्लीयर नहीं होया वो की कर वो करन, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? सर हाय रब्बा ए तां हाँ इनजस्टिस है ना, जे इदा नहीं हुंदा राजे वो तो फिर सैकेंड काउंसलिंग जाना पएगा, जेकर नहीं क्लीयर होया तो रिजल्ट नहीं आया सैकेंड काउंसलिंग जाना। सर प्लीज़ आंसर देना, मैं पहले भी पूछा कि बट रिप्लाई दिया नहीं आपने, इस वीडियो में आ गया आपका रिप्लाई। सर हमने किस कॉलेज में एडमिशन मिले ये कब पता चलेगा? ये कल पता चल जाएगा, क्लॉक कॉलेज 24th है, 3rd है ना, 3rd है, 3rd से पता चल जाएगा। हेलो सर मेरे रेजिडेंस रूरल कास्ट सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं, चल जाएंगे 2020 दे? हाँ जी चलेंगे बिल्कुल ठीक है। सर मेरा नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट च, उन्होंने मेल करो तुसी कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा ये स्कोर नहीं, मैं इस आईडी दे अंदर टेस्ट देता है। सर जो कॉलेज फिल करता वही मिल जाता है? नहीं, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जिंदगी में खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बहार, जिंदगी में हर किसी को कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं के प्यार ना हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं के प्यार ना हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। इमोशनल नहीं होना, अच्छा रैंक होगा
तो मिल जाएगा, अगर रैंक कम हुआ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड काउंसलिंग है। थैंक यू।